दोस्तों, मैंने एलएमएस पैनल के बारे में आपको बोल रहा था। अभी देख सकते हैं ये रेशियो, जहां तक हम एक्चुअली ड्रेसिंग कर सकते हैं वो जगह से कम उसको सीधा करके पहुंच करके लेके आना पड़ेगा। इसीलिए क्या करना पड़ता है, ये सब भी ओयर देख सकते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, सभी मिक्स हो गया है। ठीक है, उसको क्लियर करके हम यहाँ से ये जो रेशियो देख रहा है, ये रेशियो से हम इसको नीचे लेके आएंगे। नीचे लेके आने के बाद ये रेशियो का सेंटर है, इधर से डाउन करेंगे हम। ओके फ्रेंड्स, तो ये पूरा का पूरा वायर को अभी क्लीन करना पड़ेगा। लाइन बाय लाइन करने के बाद इसी में हम डालने वाले हैं। देखिए नीचे कैसे पड़ा हुआ है। और दूसरा बंच से ये मत ले छोटू, वो पीछे है, वो कुछ छोड़ के दूसरा दे, इसका इसको दे, मामा को बोल उधर से लूज दे यार, इसको हाँ सर, इंक्रीमेंट का टाइम ना, उसको पैसा ज्यादा चाहिए, इंक्रीमेंट ज्यादा चाहिए। बाबा वीडियो जो पैसा मिलेगा तो साथ में कपड़ा वाश करना पड़ेगा, बता रहे हैं ज्यादा कपड़ा गंदा हो जाता है। अरे हम बता रहे ना, हम बात कर रहे हैं, हम का तेज चला रहा है, हम उसे नहीं बता रहे हैं, हम जल्द तो कर लेंगे, साफ सुथरा बात, हम 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 साफ तो नहीं शुरू करें, उसमें भी तो हमें क्लिक करना के लिए हो जाएगा। जबरदस्ती एक्सरसाइज चले की देखो वेयर के लिए तुरंत करना पड़ा। ब्लू और येलो को छोड़ के हम रेड को सेपरेट कर लिया और यहाँ से ड्रेसिंग देख सकते हैं स्टार्ट कर लिया, क्योंकि और अंदर तो जा नहीं सकते, वो पैसेज में आ जाता। इसको ए रेशियो में डालने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह से हमारा केबल गया है, उसी प्रकार से ये वायर भी जाने वाला है। ओके, तो दोस्तों कल हम शाम तक देखे थे कि ये रेड वाला जो कि क्लियर हो चुका था लेकिन यहाँ पर नहीं आया था, आज देखिए येलो और ब्लू भी रेडी हो गया है और बंच बना के नीचे तक भी वर्टिकल ले आए हैं। इसके बाद ये नीचे में ड्रेसिंग किया जाएगा, नीचे में लिंक कर दिया जाएगा। ये थोड़ा सा ऊपर का व्यू इसी तरह से देखते हैं, ड्रेसिंग मांगने वाला आदमी के देखा लिया।
ये जितना चाहिए एक्चुअली मेजरमेंट में थोड़ा सा छोटा कर दिया गया, क्योंकि ज़्यादा लंबा होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है साइज करने के लिए। तो हमारा दोस्तों देख सकते हैं ये ड्रेसिंग स्टार्ट हो गया ऑलरेडी लिंक करना, तो ये रेड पेज का हो गया और धीरे धीरे नीचे होते जा रहे हैं। नहीं एक्चुअल कुछ फेयरुल नहीं है शायद, ये तीन नंबर से मालूम चलेगा, LMS 2 R1 Channel 3। ठीक है, ये Channel 1 Channel 2 Channel 3, ये सब भी R1 इधर तक है, ये चारों R1 में, ये R2, ये R3, R4, बाद में R5, बाद में R6, ओके MCB कंट्रोल नीचे, और ये नीचे एक MCB कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से येलो का भी वही है, थोड़ा मैं बराबर से दिखा देता हूँ। LMS 2 मतलब यहाँ पर 2 TB 2 पैनल है बोल के LMS 2 लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि वो वाला होता है 1, ये वाला 2, ये शायद ये 2 नहीं है बोल के ये जेट को 2 बना दिया गया, ऐसे चलता है प्रोजेक्ट में। ओके फ्रेंड्स, ये फाइनलाइज होने वाला है, दिखाते हैं थोड़ा, ये ब्लू का खत्म हो गया। ओके, यहाँ पर अर्थिंग का बस बार दिया है को, और इसी में थोड़ा कम होल था जिसके वजह से हमको डबल डबल मारना पड़ा, किसी किसी में भी 4 मारना पड़ा, और इसको बराबर से टाइट करना, और ये येलो का भी पूरा खत्म हो गया, थोड़ा सा रेड का बचा है। ओके, यहाँ पर क्या होता है कि वो फेरुल जो है वो पलट गया था, इसको भी पलट दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट फुटेज में मैं इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो वो वाला दिखाएगा। आखिर में दोस्तों ये जो फुटेज है ये होता है, ये हमारा डीवी ड्रेसिंग का मतलब पैनल ड्रेसिंग का ये फाइनल फुटेज है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा वायर हम लिंक कर दिया है, ये फेज न्यूट्रल अर्थिंग सारे। ओके, इसी तरह से ये काम हो गया है। यहाँ पर इनकमर को बाहर रखा गया, थोड़ा सा ये टेस्टिंग होने के बाद अंदर डाला जाएगा बोल के, इसी प्रकार से ये काम ख़त्म हो गया। यहाँ देख सकते हैं बाकी उनका लाइट लगाया जाएगा, और जो सेंसर है डिमेबल कंट्रोल के लिए वो वहाँ पर लगेगा, उधर से यहाँ को सिग्नल आएगा, सिग्नल आने के बाद इसको सेंस करने के बाद ये उसको सप्लाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स।
ओके, बस आज के लिए वीडियो इतना ही है, और वीडियो में बहुत मेहनत लगा है फ्रेंड्स, आप लाइक कर लेना। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, अगर कोई सुलझा है तो भी कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा लेना चाहते हैं हम। नमस्कार। हो गया, और धीरे धीरे नीचे होते जा रहे हैं।